दोस्तों सोचो अगर आपके सामने आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार आ जाए तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे WWE सुपरस्टार जिन्होंने इसी तरीके से अपने फैंस को अचानक आकर खुश कर दिया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्या पता आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार भी हो। तो एंड तक देखना शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके नए काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 5 सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। दो फैंस WWE टॉयज के साथ खेल रहे थे और अचानक से आकर सेथ रॉलिंस उन्हें सरप्राइज कर देते हैं और वो फैंस सेथ रॉलिंस को देखकर शॉक और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सेथ रॉलिंस से पूछते हैं कि तुम जॉन सीना को जानते हो। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और वहां पर वो बच्चे कहते हैं कि तुमने तो वहां पर आर्ग्यू किया था जॉन सीना से, मैंने वीडियो देखा था। तभी जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे। तो सेथ वहां पर कहते हैं कि वो काफी लंबे टाइम पहले था और उसके बाद सेथ रॉलिंस उन्हें गिफ्ट देते हैं। वहां पर वो फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एंडिंग में सेथ रॉलिंस उन दोनों फैंस के साथ एक फोटो भी क्लिक करते हैं। नंबर 4 द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन की WWE में एक अलग ही पर्सनालिटी और उनके फैंस भी काफी अलग ही लेवल के होते हैं। एक छोटा WWE फैन WWE के बैक स्टेज कहता है कि मैं रैंडी ऑर्टन का काफी बड़ा फैन हूँ और वो इंटरव्यू दे रहा होता है और पीछे से बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन बैठे हुए होते हैं और ये सब कुछ वो सुन रहे होते हैं। और रैंडी ऑर्टन के साथ वहां पर सेथ रॉलिंस भी मौजूद होते हैं और ये काफी ज्यादा खुश होते हैं देखकर उस फैन को। और फाइनली रैंडी ऑर्टन उठकर जाके चुपचाप पीछे खड़े होते हैं उस फैन के और वहां पर उन्हें आरकेओ देने का नाटक करते हैं। और इस फैन का आप रिएक्शन देख सकते हैं, वो किस तरीके से इमोशनल और काफी ज्यादा शॉक हो गया कि रैंडी ऑर्टन उनके पास फाइनली आ चुके हैं और वो फैंस काफी ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे वो रैंडी ऑर्टन के गले भी मिलता है। देख सकते हो कि रैंडी ऑर्टन अपने फैंस को कैसे अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। नंबर 3 द न्यू डे। WWE स्मैकडाउन खत्म हो जाने के बाद कुछ फैंस जो कि आ जाते हैं, न्यू डे के फैंस होते हैं, वो उनका इंटरव्यू लिया जाता है और वो न्यू डे के बारे में काफी कुछ कहते हैं। वो फैंस होते हैं उनके, वो लाइफ में न्यू डे से तो एक बार मिलना चाहते थे और वहाँ पर वो फैंस खास न्यू डे के लिए आते हैं, लेकिन होता ही है यहाँ पर न्यू डे की म्यूजिक बज जाती है लेकिन न्यू डे नहीं आते। बट अचानक से न्यू डे आ जाते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं वो फैंस। आप देख सकते हैं उनका रिएक्शन काफी ज्यादा तगड़ा है और वो तीनों भी फैंस न्यू डे के साथ देखो किस तरीके से नाच रहे और इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप बताओ कमेंट करके कि आप किस WWE सुपरस्टार के फैन और किससे मिलना चाहते हो, फटाफट नीचे कमेंट कर दो। नंबर 2 द 16-टाइम चैंपियन जॉन सीना। एक शो पर जॉन सीना के काफी सारे फैंस आते हैं, वो खास जॉन सीना के लिए आते हैं, जॉन सीना को मिलने के लिए आते हैं और इंटरव्यूज में वो जॉन सीना के बारे में काफी अच्छी बातें करते हैं और ये सारे चीजें जॉन सीना सुन रहे होते हैं बैक स्टेज। बड़े सारे के बुजुर्ग तक यहाँ पर काफी बड़े फैंस होते हैं जॉन सीना के। एंड फाइनली जॉन सीना वो पीछे वाला पोस्टर जॉन सीना का फाड़ कर देखते हैं पहले और उसके बाद अचानक से वो पोस्टर फाड़ कर जॉन सीना उसमें से आते हैं और फैंस काफी ज्यादा खुश और शॉक हो जाते हैं उन्हें देखकर, क्योंकि जॉन सीना उनके काफी बड़े फेवरेट हीरो है WWE के। और फैंस देखो जॉन सीना को देखकर काफी पागल हो चुके हैं, यहाँ पर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके हैं क्योंकि उनके फेवरेट WWE सुपरस्टार उनके सामने आ चुके हैं। नंबर 1 यानी तो हमारे ट्राइबल चीफ एंड हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। दोस्तों जैसे WWE रोमन रेंस को WWE में दिखाती है वैसे रोमन रेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो दिल के काफी ज्यादा साफ है। दोस्तों मेकर विश ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कम उम्र में कैंसर या फिर कोई बीमारी होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके सपने पूरे करती है, जो भी वो विश मांगते हैं ये पूरी करने की कोशिश करते हैं। कई सारे बच्चों ने रोमन रेंस से मिलने की विश मांगी थी और रोमन रेंस वहां पर फाइनली गए और वहां पर उन्हें खुश कर दिया था और वही फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए थे रोमन रेंस को और उनका रिएक्शन भी आप देख सकते हो, उनके साथ रोमन रेंस बैठे भी है। यहाँ तक कि रोमन रेंस कुछ फैंस जो कि बैक स्टेज बैठे हुए होते हैं उनको भी अचानक से मिलकर वो सरप्राइज भी किया था उन्होंने और उनको काफी सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। फ्रेंड्स देखा रोमन रेंस दिल के काफी अच्छे इंसान भी है। देखा फ्रेंड्स रोमन रेंस अच्छे रेसलर ही नहीं दिल के काफी अच्छे इंसान भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। एंड चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।